ओम शांति 13/11/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों का पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो, सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, सिर्फ शांति की थोड़े ही होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना, एक राज्य की स्थापना हो रही है। यह कोई नई बात नहीं, अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार हैं। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाट बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। भंभोर को आग लगनी है जरूर। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम ही से बैठूं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना, भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सत्युग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पौत्रे पर पौत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना, जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे।
पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना, बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है, कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है, पहले है ज्ञान पीछे है भक्ति, यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान सत्युग त्रेता, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो, टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं, यह है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं, पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है, पहले जरूर सतोप्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमोप्रधान दुनिया होती है, मनुष्य भी तमोप्रधान होंगे ना, झाड़ भी पहले नया सतोप्रधान होता है, नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी, कितना बड़ा झाड़ है, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे, तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी हैं, तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं, 84 के चक्र में हम ही आते हैं, 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते, मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गई है, दुखी बन गए हैं, सीढ़ी उतरते सतोप्रधान से तमोप्रधान बन गए हैं, बाप फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं, बाप कहते हैं मैं तमोप्रधान शरीर तमोप्रधान दुनिया में आया हूँ, अब सारी दुनिया तमोप्रधान है, मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता है, नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है, अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है, विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, यह थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे, इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी, 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था, आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में, उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं, गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं, स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है, बहुत कमाई होती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए, 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी, बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है, यह भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं, कहते भी हैं वह परमपिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते, कहते भी हैं शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तुम हो बीके, प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा, नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है, हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं, बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा,
परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा का नहीं कहेंगे, हे भगवान हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है तीन बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सत्युग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं, यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन से हारे हार, वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए, आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो, आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धाम तुम्हारा घर है जहां से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़े ही आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां पांच विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो, मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ, पुकारते भी सब हैं। जो कामचिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुक तू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे क्या होगा इन बातों में हम क्यों जाएं? यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुक तू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा,
ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतु करने हैं। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीप माला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में भी लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। मनवा।